विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और सालग्राम शिला के महात्म का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर देखा और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमा आनंद से निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए माया से शंखचूड़ का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया और बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सर्प पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तुम कौन हो, यूं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतलाकर माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अभी मैं तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका है, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से ही निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए हैं। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में ही वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करो, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गड़की के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होंगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होंगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी, तथा श्री हरि भी तुम्हारे शाप बस पत्थर का रूप धारण करके भारत की गड़की नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य का चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा।
विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपणी तुलसी का सदागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा, वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र कर उनकी रक्षा करता रहेगा, वह श्री हरि का प्यारा होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ ले बैकुंठ चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं, वे परम पुण्य प्रद होती हैं। जो स्थल पर ही रह जाती हैं, उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?